उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं शुक्रवार को हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की उनके कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि भगवा कपड़े पहने दो हमलावर हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर कार्यालय में घुसे। बातचीत के बाद अचानक मिठाई के डब्बे में छिपा कर लाए रिवॉल्वर और चाकू से हमला बोल दिया। वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। गोली की आवाज से अफरा तफरी मच गई। वही घटना में गंभीर रूप से जख्मी कमलेश तिवारी को आनंद फानन में ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी है। न्यूज इंडिया 9 कोरा प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट।